अच्छा जी, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स सीआरएम के ऊपर। अच्छा, जब मैंने सीआरएम को स्टडी करना शुरू किया तो मैंने देखा ये बहुत ही वास्ट डोमेन है। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर हमारा एक ईआरपी है और एक हमारे पास सीआरएम है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। बींग अ डेवलपर, जो कि हम लोग वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स बनाते रहे हैं, तो अब हमने ये देखना है कि जी हम किस तरीके से इस पूरे आर्किटेक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें इनिशियली निकाली हैं, लाइक जैसे हमारे पास पावर पेजेस हैं, पावर ऐप्स हैं, और इस तरह थोड़ी बहुत और ऐसी मिलती जुलती चीज़ें हैं जिनसे हम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सीआरएम को अडॉप्ट करते चले जाएंगे। और इन द स्टार्ट हमारे पास पहली जो लॉजिक है वो हम पावर पेजेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए मेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, मेक डॉट पावर एप्स की प्रॉपर वेबसाइट है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो साइन अप करना, मैंने जब साइन अप किया तो मुझे काफ़ी सारे हर्डल्स फेस करने पड़े, लेकिन जब मैं आपको उसके पूरे सिस्टम का जो एक है समरी में आपको बता दूंगा कि आप इजीली किस तरह से फ्री अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब हम पहले वैसे काम करते हैं तो हम समझते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल की प्रोडक्ट है, और कॉर्पोरेट लेवल की जो प्रोडक्ट है डेफिनेट सी बात है हमारे जहन में ही आता है कि इसको हमें साइन अप करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमें काफ़ी सारे फंड्स या डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 30 डेज़ का फ्री ट्रायल हमें वैसे ही मिल जाता है। पहले ये इससे भी ज़्यादा था, अब ये सिर्फ 30 डेज़ के लिए लिमिटेड है, लेकिन हमारे लिए 30 डेज़ इनफ है इसको लर्न करने के लिए। उसके बाद भी $12.5 की, $12.5 की हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो कि हमें परचेज करनी पड़ती है। आए हम आगे मूव ऑन करते हैं पावर पेजेस और पावर एप्स के ऊपर हमारे पास जनाब अली साइन अप करने के लिए, एंड उसके बाद हम देखेंगे फर्दर कि हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, मूव करते हैं अकाउंट बनाने की तरफ। ठीक है जी, हमने इसके लिए गूगल करना है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पेजेस। ठीक है, पावर पेजेस को जब हम गूगल करेंगे तो हमारे पास ये पहली वेबसाइट ही आती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये देखिए कि ऊपर ऑप्शन आ रही है साइन इन की और स्टार्ट फ्री की। चूँकि हम अभी एक न्यू यूज़र हैं तो हम यहाँ पर स्टार्ट फ्री पे क्लिक करते हैं। ये हमारी वेबसाइट आ गई है जी, जिसके ऊपर ही हम अकाउंट फ्री बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना ईमेल डालता हूँ, arunzubair11@gmail.com। यहाँ पर हमारे पास वर्क ईमेल रिक्वायर्ड होता है जो कि यहाँ पे चलता है। ये वाला ईमेल यहाँ पर नहीं चलने वाला, ठीक है, लेकिन हमारे लिए पहला स्टेप ज़रूरी है। ठीक है, उसने कहा टू कंटिन्यू विद दिस ईमेल ट्राई विद दिस स्टेप्स। नाउ मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये मुझे नेक्स्ट स्टेप्स बताया गया जी कि मुझे अगर कोई ईमेल चाहिए इसके ऊपर चलने के लिए तो मैंने कैसे आगे चलना है। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 के ऊपर उसने कहा आप साइन अप कर लें, वहाँ से आपको दूसरा ईमेल मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जाना है, हमने फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ट्राई फ्री फॉर 1 मंथ, ये हमने क्लिक किया इसके ऊपर। यहाँ हम आते हैं इसके ऊपर एंड देखते हैं फर्दर हमने क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पर हमने कार्ड ऐड करना है अपना फ्री मंथ के लिए। जी, फ्री मंथ के लिए कार्ड इस पर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जनाब अली ये फर्स्ट मंथ की जो है ना फ्री सब्सक्रिप्शन ही इनेबल हो जाएगी इसके ऊपर, और हमें एक ईमेल मिल जाएगा जो कि हमने उसके बाद ऐड करना होता है पावर पेजेस के अंदर। यहाँ पे अपना ईमेल डालूंगा मैं, arunzubair11@gmail.com पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। और दूसरा अपना ईमेल arunzubair84@gmail.com। नेक्स्ट, ओके, सेटअप अकाउंट। ठीक है, हारून जुबैरी, मिडिल नेम मेरे पास है नहीं, यहाँ पे आता हूँ बस 9230241989831। ये पूरा फॉर्म मैंने फिल करना है। 84, सिलेक्ट कंपनी साइज, इट कैन बी 204। एंड नाउ यहाँ मैंने रीजन सेलेक्ट करना है जिस पाकिस्तान। यहाँ आते हैं जीपी, इधर है, अभी हमने पाकिस्तान ढूंढा, इसको हमने नेक्स्ट किया एंड नेक्स्ट कर देना हमने। यहाँ से आके ये पेमेंट डिटेल्स के बारे में पूछता है मुझसे पूछेगा जी अकाउंट नंबर हमारा वैलिड है कि, फ़ोन नंबर वैलिड है क्या नहीं, इस पर वेरीफिकेशन कोड भेजेगा। एंड इसके बाद जब हम ये सब कर लेंगे तो उसको मैं कहता हूँ जी मुझे वेरीफिकेशन कोड सेंड करें। नहीं जी, हमारा कोड आ गया, यहाँ पे एक कोड एंटर करेंगे हम 290358 एंड यहाँ वेरीफाई कर देंगे इसको। जब हम यहाँ वेरीफाई करेंगे तो मुझे पासवर्ड सेट करने की बात करेगा, पासवर्ड हम रख लेंगे यहाँ पे एंड ये मैंने नेक्स्ट किया। पासवर्ड डोंट मैच, ओके, लेट्स सी।
अकाउंट बना लिया अपना। अब ये मुझे आगे मूव करने को कहेगा जी कि आप जो है ना यहाँ से आप आगे आएं, इसके बाद ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेगा मेरे से। ओके जी, यहाँ आ गए हम, यहाँ पे आके देखते हैं जी। इसने कहा जी लेकिन फर्स्ट मंथ के लिए फ्री है, वैसे इसके 12.5 डॉलर जो है ना, 12.5 डॉलर की फ़ी है। हमने कहा जी ऐड पेमेंट मेथड, जब हम पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास जनाब जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जब इसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड करके इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको इस तरह के पेज पे ले जाएगा, जिसके अंदर सामने आपका ये वाला ईमेल नज़र आ रहा होगा आपको। ये वो ईमेल है जो कि अब हमने यूज़ करना है हमारा अकाउंट क्रिएट करने के लिए पावर पेजेस के ऊपर। वापस इस पेज के ऊपर आते हैं, ये वाला ईमेल यहाँ ऐड करते हैं, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। ठीक है, यहाँ पे से देखते हैं यहाँ पे हमें क्या एरर आता है, क्या चीज़ आती है, ये हमें आगे ले गया। ठीक है, इसको देखते हैं फर्दर क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, फर्दर ये भी कंटिन्यू थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। पेमेंट मेथड वहाँ ऐड है, काफ़ी हमने ट्राई की है वहाँ पे परचेज करने की। लेट्स सी, ओह फाइनली हमारा अकाउंट बन गया है यहाँ पे। वहाँ पे कुछ माइडी पेमेंट का वो सामने शो ना कर रहा हो, बैकेंड के पेमेंट हो गई होगी इसकी। इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, सबमिट करते हैं फ़ोन नंबर के ऊपर। उसको मैं कर रहा हूँ सबमिट, एंड सबमिट करने के बाद जनाब अली हम आ गए हैं फाइनली अपने पावर पेजेस के डैशबोर्ड के ऊपर। लेकिन अभी भी ये हमें एक ब्लैंक पेज शो कर रहा है। फाइनली ये पेज ओपन हो गया है और ये ट्रायल भी हमारे सामने आ गया है। ठीक है, चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, और यही हमने फेस किया है इस वक्त कि जी हमें छोटा ट्रायल रिकॉर्ड करने के लिए कि जी हमारे पास साइन अप है, क्या सीन है, किस तरह से करना है। हम यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये बेसिक टेम्पलेट्स दिखा देगा जी कि हम किस तरीके से आगे जा सकते हैं। ओके जी, ये देखिए जी हमारे पास टाइटल बताओ जी हमारा क्या सीन है, किस चीज़ पे जाना है। एजुकेशन है हमारा, नॉन प्रॉफिट है, हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का टूल है इसका कि जी हमने एक साइड बनानी है। हमसे एआई के तरीके से हमसे पूछे जाएगा भी किस तरीके की साइड बनाना चाह रहे हो, एंड उन साइट्स को हम जो हम बताएंगे उसके थ्रू के से हमें एक साइट बना के दे देगा एक। ठीक है, लेकिन हमें इसके ऊपर जाना नहीं है, हम इसको देखते हैं। हम एक टेम्पलेट के थ्रू जाते हैं, स्टार्ट विद द टेम्पलेट। एंड ये देखिए इस तरह हमारे वर्डप्रेस के अंदर सारी टेम्पलेट्स आ रही होती हैं, सारी वही टेम्पलेट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी एक टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे, लाइक हम इस पे जाते हैं, प्रीव्यू टेम्पलेट करेंगे, पूरी की पूरी टेम्पलेट हमें शो कर रहा है। इन टेम्पलेट्स को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पूरा एक्सप्लोर करेंगे, भाई ये चीज़ कैसे चलती है, क्या हम किस तरह इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से हम इसका कोड वगैरह एडिट कर सकते हैं। अभी के लिए आप सब अपने सक्सेसफुली अपना अकाउंट बना लें ताकि हमारे लिए नेक्स्ट मसला ना हो, क्योंकि आपके सामने आई जब हमने अकाउंट बनाने की कोशिश की तो हमारे लिए कितने हमारे पास इश्यूज़ आए हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।